इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मनसुख हिरेन के मौत के केस की जांच कर रही महाराष्ट्र एटीएस ने 3 पुलिस अधिकारियों से पूछताछ की है। ये तीनों ही ऑफिसर सीनियर लेवल के हैं, जिनमें से एक मुंबई और 2 ठाणे के पुलिस ऑफिसर हैं। और इसी बीच एंटेलिया केस में गिरफ्तार मुंबई पुलिस के ऑफिसर सचिन वाजे की लग्जरी कारों के जब्त होने का सिलसिला भी जारी है। एनआईए ने 2 और लग्जरी कार जब्त की है, जिसमें से कई अहम सुराग भी मिले हैं। 50,000 की सैलरी होने के बावजूद भी मुंबई पुलिस का असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे ऐसी लग्जरी गाड़ियों में घूमता था जिनकी कीमत 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक है। एंटीलिया कार में बारूद केस में अब तक की जांच में जो सामने आया है उसके मुताबिक सचिन वाजे ने अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए कम से कम 5 लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल किया। इनमें से 1 लैंड क्रूजर प्राडो, 2 मर्सिडीज, 1 इनोवा और 1 स्कॉर्पियो है। ये सभी गाड़ियां एनआईए की कस्टडी में हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि कोई भी गाड़ी सचिन वाजे के नाम पर रजिस्टर नहीं थी। गुरुवार को एनआईए ने सचिन वाजे की 2 लग्जरी कार जब्त की। टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो कार ठाणे के साकेत इलाके में वाजे के घर के बाहर खड़ी मिली। इसके अलावा कल 1 मर्सिडीज कार भी जब्त की गई, लेकिन ये साफ नहीं कि ये कहां से मिली। एनआईए की टीम ने साकेत सोसाइटी से उस लैंड क्रूजर को जब्त किया है जो सचिन वाजे की सोसाइटी में मिली है। साकेत सोसाइटी में सामने जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वही लैंड क्रूजर कार है। और इसी लैंड क्रूजर की तलाशी के दौरान एनआईए की टीम को वो कुर्ता मिला है, वो कपड़ा मिला है जो पहनकर जो एंटीलिया के बाहर सचिन वाजे नजर आए थे, और उसके बाद में उस कपड़े को उन्होंने इस अपनी कार में छुपा कर रखा हुआ था। इसके अलावा एक दूसरी जो है वो मर्सिडीज कार भी जब्त की गई, ठीक बगल में आप देख सकते हैं। इंडिया टीवी के संवाददाता राजीव सिंह ने सफेद लैंड क्रूजर की तफ्तीश की। पता लगा कि लग्जरी कार शिवसेना नेता विजय गणपत भोसले की है। विजय गणपत भोसले रत्नागिरी जिले के गुहानगर से शिवसेना के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। इंडिया टीवी ने जब भोसले के परिवार से संपर्क किया तो उनके बेटे गणेश सामने आए। उन्होंने बताया कि लैंड क्रूजर कार उन्होंने OLX पर बेचती थी। उनका ये भी कहना है कि वह सचिन वाजे को जानते तक नहीं। मैंने 2 साल पहले ये गाड़ी बेच दी है। अच्छा, किसे बेची थी सर आपने और कब बेची थी? OLX कैशमैन कार करके एक कंपनी है, तो हमने दी थी ये गाड़ी। तो आपने OLX को बेची थी क्या? सचिन वाजे तक कैसे पहुंची, या सचिन वाजे को आप जानते थे, ऐसी कोई जानकारी? ये कैसे हो सकता है सर? हम तो कांदिवली में रहते हैं, हमारी गाड़ी अभी किसको देंगे, कहाँ देंगे, ये तो होटल ओनर को मालूम। OLX कैशमैन कार, उनका बिडिंग सिस्टम रहता है, सामने कौन गाड़ी ले रहा है उसके बारे में किसी को पता नहीं रहता है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द बायर्स एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सेलर्स। एंटीलिया के बाहर विस्फोटक केस की जांच एनआईए कर रही है, जबकि मनसुख हिरेन केस की जांच महाराष्ट्र एटीएस कर रही है। लेकिन जांच के बाद ऐसा लगने लगा है कि एंटीलिया केस के साथ साथ मनसुख की मौत का संबंध सचिन वाजे से है। ऐसे में महाराष्ट्र एटीएस मनसुख हत्या केस में सचिन वाजे की कस्टडी चाहती है। आज एटीएस को कोर्ट में सचिन वाजे की फाइल की गई अग्रिम जमानत की अर्जी पर जवाब देना है। इसी दौरान एटीएस कोर्ट से वाजे की कस्टडी की अपील कर सकती है। अब तक मनसुख मौत केस में एटीएस 3 पुलिस अफसरों से पूछताछ कर चुकी है, जिनमें से 1 मुंबई और 2 ठाणे के पुलिस अफसर हैं। सचिन वाजे केस में उद्धव सरकार की लगातार किरकिरी हो रही है। सवाल यह है कि जो शख्स 16 साल तक सस्पेंड रहा, उसे आखिर क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का हेड कैसे बना दिया गया? अब तक महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख इन सवालों से बच रहे थे, लेकिन कल वो कैमरे के सामने आए और कहा सचिन वाजे केस की जांच में किसी तरह की रुकावट पैदा ना हो, इसलिए परमवीर सिंह को मुंबई के पुलिस कमिश्नर के पद से हटाया गया है। उसकी जांच NIA और ATS कर रही है और बहुत ही प्रोफेशनली कर रही है। ये जांच में जो भी बातें आगे आएंगी वो हिसाब से कार्रवाई की जाएंगी, नंबर 1। नंबर 2, उनकी जांच में कुछ बाधा नहीं आना चाहिए करके वहाँ के पुलिस कमिश्नर ऑफिस के हमारे जो कुछ उसमें हमारे जूनियर अधिकारी और बाकी जो भी कुछ अधिकारी उसमें, उनकी बाधा नहीं आना चाहिए और अच्छी तरीके से इंक्वायरी होना चाहिए। उसके लिए माननीय परमवीर सिंह साहब को वहाँ से हटाया गया। सचिन वाजे को गिरफ्तार करने के बाद एनआईए वाजे के सहयोगी असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर रियाज काजी से भी पूछताछ कर रही थी।
रियाज को लगातार 3 दिन पूछताछ के लिए बुलाया गया और 10-10 घंटे की पूछताछ की गई। CIU यानी क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में वाजी की टीम में शामिल API रियाज काजी ने NIA को बताया कि CIU में ये बात हर कोई जानता था कि सचिन वाजे की पहुंच ऊपर तक है, इसलिए वाजे जो कहता था उसके साथियों को उसका पालन करना पड़ता था। रियाज काजी ने NIA को दिए अपने स्टेटमेंट में बताया है कि इस केस की जांच के दौरान उन्होंने जो भी CCTV फुटेज और DVR जब्त की वो सब सचिन वाजे के कहने पर किया। बताया जा रहा है कि API रियाज काजी इस केस में अप्रूवर बन सकते हैं। राजीव सिंह के साथ जयप्रकाश सिंह, India TV, मुंबई। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए India TV YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें India TV के साथ।